महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का त्योहार कितने धूमधाम से मनाया जाता है इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार आपको इस त्योहार से जुड़ी खबरें बताते आ रहे हैं कि कौन सा स्टार इसके लिए किस तरह की तैयारी कर रहा है। हालांकि वो सारी तैयारियां सारे सेलेब्स ने अपने अपने घर पर की थी, लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके दिल को खुश कर देगी। असल में बच्चन खानदान की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी नन्ही सी बेटी आराध्या को लेकर हाल ही में GSB सेवा पांडाल गई थी। ऐसा लग रहा था कि ऐश्वर्या राय बच्चन चाहती है कि उनकी बेटी इस त्योहार का भरपूर मजा उठा सके। पांडाल में इतनी भीड़ थी कि कैमरा पर्सन के लिए इन दोनों के साथ में फोटो लेना आसान नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। जी हाँ, कैमरा पर्सन ने किसी न किसी तरह से इन दोनों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली। लेकिन इन तस्वीरों में एक बात और कैद हो गई। आपको बता दें, ऐश्वर्या राय बच्चन हर साल गणेश भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए जाती हैं। कभी वो अपने पति अभिषेक बच्चन को साथ लेकर जाती हैं, तो कभी अपने ससुर अमिताभ बच्चन को। कई बार तो पूरा बच्चन खानदान भी भगवान गणेश की शरण में दिखता है। लेकिन लगता है इस साल ऐश ने अपनी बेटी के साथ अकेले ही पांडाल में जाने का फैसला किया था। सामने आया कि मुकेश अम्बानी की पार्टी के बाद से ही ऐश्वर्या का अभिषेक के साथ कुछ मनमुटाव हो गया, इसलिए वो भारी भीड़ में भी अपनी बेटी को अकेले ही लेकर पहुंच गई। खैर, जो भी हो, आपको आराध्या और ऐश्वर्या की ये तस्वीरें कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे आपको बता दें, इसी पांडाल में अपने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। सचिन यहां अपनी बीवी अंजलि के साथ आए थे। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।